तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ रेडिस यूट्यूब चैनल। यहां आपको बताया जाता है डीडी फ्रेडिस में होने वाले प्रॉब्लम्स का अच्छे से अच्छा सलूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके डीडी फ्रेडिस में नो सिग्नल आ रहा है तो आप उसे रिमोट से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि नो सिग्नल आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वीडियो को आगे बढ़ाकर बिल्कुल भी ना देखें, वरना आप ये ट्रिक सीख नहीं पाएंगे और आप ठीक नहीं कर पाएंगे और आप हमें कमेंट करके बोलेंगे कि सर मेरा तो ठीक नहीं हुआ इस ट्रिक से। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे टीवी स्क्रीन में नो सिग्नल आ रहा है और मैंने मेनू बटन दबा रखा है। तो सबसे पहले मैं मेनू बटन से हटाकर इसे आपको दिखाना चाहूँगा कि इस नो सिग्नल को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको मेनू बटन दबाना होगा और मेनू बटन दबाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि चले जाना होगा प्रोग्राम सेटअप में। प्रोग्राम सेटअप में जाने के लिए दोस्तों मैं पहले आपको रिमोट दिखा दूं कि रिमोट में यहाँ पर बटन होता है, यह है दोस्तों मेनू बटन और यह है बीच में ओके बटन और अप और डाउन है और लेफ्ट राइट है दोस्तों। तो इस बटन को आप ध्यान में रखें और कुछ इस प्रकार से करना है कि आपको चले जाना है डाउन बटन दबाकर। मेनू बटन दबाने के बाद डाउन बटन दबाकर आपको चले जाना है प्रोग्राम सेटअप में। इस प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद वो आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ प्रोग्राम सेटअप में चले आएंगे। प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जाना है आपको ऑटो स्कैन में। ऑटो स्कैन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस फ्रिक्वेंसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसा है 05150 इसे रहने देना और यहाँ पर आपको ओके दबा देना है। तो हम क्या करते हैं, ओके दबा देते हैं। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे दोस्तों आपका ऑटो स्कैन होने लगेगा। तो दोस्तों, जब तक ऑटो स्कैन होता है तब तक एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम अगर आपके डीडी फ्रेडिस में आ रहा है नो सिग्नल, अगर आपका प्रॉब्लम डिश एंटीना से आ रहा है तो आप इस मेथड से आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम कब आप दूर कर पाएंगे दोस्तों, जब आपका रिमोट से नो सिग्नल आ गया है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप रिमोट से कुछ कर रहे होते और ज़्यादा छेड़छाड़ हो जाने की वजह से आपसे या आपके बच्चे से, आपके बीबी से, आपके किसी भी फैमिली मेंबर से अगर ऐसा नो सिग्नल हो जाता है तो आप इस मेथड से आप इसे ठीक कर पाएंगे दोस्तों। बहुत सारा केस होता है नो सिग्नल का दोस्तों, कभी आपका केबल कट जाए तब भी आप इसे ठीक नहीं कर सकते, आपका डिश एंटीना हिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका डिश एंटीना हिल गया किसी भी कारण से, हवा से, बंदर से या कोई व्यक्ति से हिल गया तो आप रिमोट से ऑटो स्कैन करेंगे तो वो डिश एंटीना तो हिलेगा नहीं, तो उस स्थिति में आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऑटो स्कैन करके इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपका सेटअप बॉक्स भी ख़राब हो सकता है या फिर आपका केबल कटा हुआ या फिर आपका LNB ख़राब हो गया या फिर आपका डिश एंटीना हिल गया होगा, तब नो सिग्नल आ रहा और आप इस मेथड से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको अपने डिश एंटीना को हिलाना होगा, अपने केबल को चेक करना होगा, अपना LNB बदल कर देखना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 66% ऑटो स्कैन हो चुका है और बहुत सारे चैनल, लगभग 46 चैनल आ चुका है। तो और अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि अभी बहुत सारे चैनल आना बाकी है और कितने चैनल आता है। और एक इम्पोर्टेंट बात अभी आगे मैं और आपको बताऊंगा जब ये ऑटो स्कैन कंप्लीट हो जाएगा कि वो नो सिग्नल आता कैसे है, मतलब आप क्या कर देते हैं जिसके कारण वो नो सिग्नल आ जाता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लगभग आपका ऑटो स्कैन है जो कि कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और अब मैं बहुत सारे चैनल अभी आपको लगाकर दिखाऊंगा। तो 92% आपका ऑटो स्कैन हो चुका है और लगभग अब आपका 100% होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी इसका चैनल दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा दोस्तों कि आखिर नो सिग्नल आता कहां से है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे चैनल आ चुका है जो कि मैं अभी बारी बारी से आपको लगा कर दिखाऊंगा। बहुत सारे चैनल आ चुका है दोस्तों और मैं आपको
इसे नो सिग्नल आता कैसे है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए ये कुछ त्रिपुरा का चैनल है, तो सोनी वाह दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी वाह चैनल है, डीडी झारखंड, डीडी बिहार, डीडी स्पोर्ट है दोस्तों। बहुत सारे लोग डीडी स्पोर्ट का फ्रिक्वेंसी पूछते हैं दोस्तों, उसका पैरामीटर पूछते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रिक्वेंसी है, उसका पूरा पैरामीटर है दोस्तों। तो ये बहुत सारे चैनल, लगभग बहुत सारे चैनल आ चुका है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर वो नो सिग्नल आता कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूँ कि नो सिग्नल कभी भी आप अगर अपने रिमोट से कुछ इस प्रकार से मेनू बटन दबा कर और सिस्टम सेटअप में चले जाते हैं, और यहाँ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे चैनल इसमें आ जाता है दोस्तों। लोग सोचते हैं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, पहले ऐसा होता भी था दोस्तों, लेकिन अब है क्या कि इसमें बहुत सारे चीज़ अपग्रेड आ गए हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट में बहुत पुराना फ्रिक्वेंसी रहता है जिसके कारण यहाँ पर सिग्नल नहीं आता। तो अगर यहाँ पर जाकर आप ओके प्रेस करके और यहाँ ओके कर देते हैं तो अब आपका नो सिग्नल आने लग जाता है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 140 चैनल आ जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि आपको ऑटो स्कैन करना है, कैसे कैसे किया मैंने आपको बता दिया अभी दोस्तों।